योजना है सरकार की, कोई नई योजना नहीं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को सरकार के द्वारा निश्चित मात्रा में खाद्यान्न देने की व्यवस्था है। लेकिन यह जरूर प्रकाश में आया है कि इस व्यवस्था के क्रियान्वयन में बहुत सारी अनियमितताएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ऊंचारा मंडल ने यह निश्चय किया है कार्यकर्ताओं ने कि साहब इस अव्यवस्था को हम व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे, और उन्होंने मुझसे कहा है कि साहब इसमें आप देखिए। तो पिछले 2-3 महीनों से मैं लगातार इसमें देख रहा हूँ। कुछ ऐसे लोग थे जो नियमित रूप से जो खाद्यान्न उनको मिल रहा था वो नहीं बांट रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनसे छीन भी लिया गया है और उसे छीन करके सोसाइटी को या दूसरे संस्था को दे दिया गया है। एक बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है अभी कि सरकार मोदी जी की सरकार के आने के बाद बायोमेट्रिक सिस्टम तरीके से वो निशानी लेकर के ही लोगों को खाद्यान्न दिया जाता है। पहले तो क्या होता था कि कोई दस्तखत करता था, कोई अंगूठा लगाता था, कोई कुछ नहीं लगाता था, कोई कहीं पर खाली जगह छोड़ देता था और उसके नाम का वो निकल जाया करता था, उसको मिलता भी नहीं। अब तो जब तक बायोमेट्रिक में वो स्वतः अपना अंगूठा नहीं लगाएगा तब तक खाद्यान्न निकल ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको मिलता चाहिए 35 किलो, उनको कोटे वाला दे रहा केवल 10 किलो और बायोमेट्रिक में निशानी लगा रहे हैं 35 किलो में। तो हम इन सभी लोगों को, बेचारे गरीब लोग हैं, सीधे साधे हैं, उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो स्थानीय लोग हैं वो जाके प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जितना आपको मिले, जितना आपको कहा जा रहा है उतना पहले देख लीजिए और फिर उसमें निशानी लगाइए, क्योंकि ये निशानी यहाँ से लेकर के भोपाल, भोपाल से लेकर दिल्ली तक जाती है, उसको मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को हमने ये भी कहा है कि जिस दिन वितरण व्यवस्था की दिनांक हो वो उस दिन वो वहाँ पर उपस्थित रह करके भी और बंटवाने की कोशिश करें। अगर कोटेदार जो है वो कोई अहमियत नहीं दिखाता है, चिंता मत करिए, हम सेवा भाव से जनता का काम करने का प्रयास करें। अगर कोई बदतमीजी, कोरोना के कारण 2 प्रकार के हमारे यहाँ पर खाद्यान्न आ रहे हैं, एक तो रेगुलर खाद्यान्न जो बीपीएल कार्ड वालों को नियमित रूप से मिलता है, एक तो वो आ रहा है, और दूसरा स्पेशल खाद्यान्न आ रहा है जो कि मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। कई बार देखने में आया है कि जो ये कोटे के दुकान वाले हैं ये रेगुलर बांट देते हैं, कहते हैं फ्री वाला भी दे दिया, फ्री वाला बांट देते हैं और रेगुलर वाला नहीं बांटते हैं, कहते हैं हमने बांट दिया। इसकी हम जांच कर रहे हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही इसका उत्तर मेरे को कलेक्टर साहब के यहाँ से आया है, उन्होंने बड़े कड़े पत्र लिख के भेजे हैं डिपार्टमेंट को और जानकारी चाहिए। हुआ क्या है, तत्काल की यदि हम बात करें तो अभी सितंबर का आज 8 तारीख है, 8 तारीख है, 2 तारीख का आज 8 तारीख है, अभी तक सितंबर महीने का खाद्यान्न कोटे के दुकानों में पहुंचा ही नहीं और अगस्त के महीने का यहाँ वितरित किया जा रहा है। नियम तो ये है सरकार की कि अगस्त का कोटा अगस्त के महीने के अगस्त में ही बढ़ जाना चाहिए, 20 तारीख तक बढ़ जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसकी अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ यहाँ पे जो SDM साहब आए हैं, SDM साहब ने लिखित आदेश दिया है, मैं आपको वो पत्र भी दे दूँगा जो कि SDM ने लिखित पत्र दिया है खाद्य विभाग को और जो कलेक्टर साहब ने लिखा है कि जानकारी हमको उपलब्ध कराई जाए। यह एक जो त्रुटि हुई है वो इस लेवल में हुई और एक जगह मुझे शिकायत मिली है कि साहब उन्होंने अगस्त का महीना तो बांट दिया है, जुलाई का बांटा ही नहीं, हर कोटे की दुकान में एक अलग अलग प्रसिद्धियाँ। कुल मिलाकर के हम पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं कि जो ये अव्यवस्था इन्हीं कारणों से निर्मित हो गई है, अधिकारियों को हम ये करने नहीं देंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊंचारा मंडल के जितने कार्यकर्ता हैं उस सक्रियता के साथ में गरीब जनता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और हम कर रहे हैं।